रही है छत्तीसगढ़ से, जहां अवैध पटाखा भंडारण करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में चांपा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपी कृष्ण कुमार पाटले से 591 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिले और साथ ही 5,30,800 रुपए का विस्फोटक पटाखा बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है बलिया जनपद से, जहां बिहार राज्य से सटे बांसडी तहसील क्षेत्र में जहां घाघरा नदी में फिर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। घाघरा नदी में प्रतिदिन जल स्तर में वृद्धि होने के कारण घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। तटवर्तीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले 1998 के लगभग इतना पानी आया था। अजय कुमार सिंह, ग्राम प्रधान चांदपुर। चारों तरफ बाढ़ की पानी घेर चुकी है, हर लोग के घर में पानी भी डूब गया है, इसलिए नाव लगी है। SDM महोदय और तहसीलदार महोदय आए थे, वो सरजू जी उस पार भी, हमारे ग्राम सभा में चकबिलियम पड़ता है, वहाँ 5 नाव और यहाँ 2 नाव। 2400 जनसंख्या है, 2400 लोग प्रभावित है बाढ़ से। पानी दिन पर दिन बढ़ रहा है। सबसे तो दुख ये है जो जितने हमारे ग्राम सभा के लोग धान रोपे थे, सब धान फूट गया था, बाद में दह गया। अब धान देखिए, कोई लोग बता रहे हैं जो बारिशा के वजह से, कहाँ इधर तो बारिशा भी नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है जो नेपाल का पानी खोला गया है। सबसे तो व्यवस्था है जो सरकार मिट्टी तेल बंद कर दी है, लाइन हमारे गाँव सभा में काट दी गई है। तो सबसे तो चारों तरफ लोग के घर में पानी घिर गया है, सांप कीड़ा फतिंगा घूम रहा है, अंधेरा में सारे लोग ग्रसित हैं, को भय और सता रहा है पानी के वजह से। अंधेरा का मौसम भी है। हम जो चकबिलियम ग्राम सभा, हमारे ही ग्राम सभा का चकबिलियम है जो सरजू जी उस पार है, अपने ग्राम सभा की तरफ से, अपने राशन के कोटदार की तरफ से कल मैंने ले जाकर बड़ी नाव से वहाँ पर राशन वितरण कराए। हमारे टोटल ग्राम सभा पानी से ग्रसित है, जितने हमारे ग्राम सभा में मकान है, टोटल मकान ये चांदपुर 18 बांडी ब्लॉक में पड़ता है। हमारे गांव सभा जिसके घर में पानी आ गई है, वे लोग बंधे पर बस गए हैं। फसल तो आप ही देख रहे हैं, कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए, फसल तो एक भी नहीं बची है, सारे फसल डूब गई है। ये लोग पी रहा है जो सारे फसल डूब गई। चलिए जो 55 बीघा से ऊपर लोग धान रोपवाए थे, बचा कहाँ है? जब घर में लोग का पानी डूब गया है तो धान कहाँ से बचेगा? बाढ़ से प्रभावित होकर के लोग पलायन कर रहे हैं, पानी का स्तर ज्यादा बढ़ गया है। ये तो बहुत सालों के बाद आया, ये हमको तो याद नहीं है, लेकिन बहुत सालों के सब डूब गई है, बचा कोई नहीं है, नहीं कुछ मिला तो नहीं। अभी SDM साहब से बात, अभी तो बोले हैं कि मिलेगा। SDM साहब के वाले हैं, बाकी कोई नहीं है। कल आए थे यहाँ पे, बहुत जल जमा हो गया है और पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये घाघरा नदी का पानी है, ये करीब 4 दिन से बढ़ रहा है, तो पूरा घर में पानी चला गया है और कुछ घर भी गिर गए हैं पानी के कारण। व्यवस्था हो रही है, अभी विधायक जी से कल बात हुआ था हमारा, एक बंधा टूटने वाला था, तो विधायक जी से हम फोन पर बोले कि बंधा टूट रहा है, तो विधायक जी तुरंत SDM को फ़ोन की और SDM साहब आए और वहाँ पर बोरिया उपलब्ध करा के मिट्टी भर के उसको ठीक कर दिया गया है। डिस्टर्ब चलेगा इसलिए कि पानी ज़्यादा हो गया है, तो डिस्टर्ब चलेगा, लेकिन हमको SDM साहब से हम बात किए और विधायक जी भी बात की, आज SDM साहब आ रहे हैं, या तो मिट्टी तेल नहीं तो मोमबत्ती उपलब्ध कराया जाएगा। SDM साहब हमसे बोले हैं कि मिट्टी तेल या नहीं तो मोमबत्ती दिया जाएगा, घर घर में वितरण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, जहां डेंगू व मलेरिया का प्रकोप फैल रहा है, जहां 2 बच्चों की मौत हो गई है। बदायूं में महामारी फैलने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। सगे भाइयों की मौत से कोहराम मच गया, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। शहर के मोहल्ला कबूलपुरा गौटिया में कई दिनों से बीमार मासूम 2 सगे भाइयों की उपचार के दौरान अचानक मौत हो गई। ये आप हॉस्पिटल ले गए थे इनको? देखा वाली हुई ना हुआ संपटाल करे डॉक्टर नियो ने डॉक्टर ने भी करे। कई दिन हो गए बच्चों को बीमार हो गए? वो तो परसों से था, छोटा वाला जोर से बोलो जोर से, परसों से मंगलवार दिन से इसकी रात हो गई, मगर के टाइम बड़े वाले के बड़ा
क्या मामला था आज जो बच्चे जो मर गए क्या था जी साहब? ये गंदगी की वजह से हो सकता है बीमारी आ गई हो, डेंगू वेंगू हो गया हो, या मतलब यहाँ गंदगी इतनी रहती है, कोई आता नहीं सफाई करने के लिए। एक बार नगर पालिका को हम लोगों ने लिख के भी दिया, पूरी रिपोर्ट बना करके दी, कोई आए नहीं। एक बार वो जी सी की आई, जरा सा पूरा ढकेल के इधर उधर चली गई। फिर जो मौजूदा मेंबर हैं उनसे आप कभी गए कुछ कहने? हाँ, उनसे कहा, उन्होंने कुछ नहीं कराया। उन्होंने एक बार जी सी पी लाए यहाँ पे, वो थोड़ा सा कूड़ा अंदर को ढकलवा दिया बस, फिर नहीं गए उनकी तरफ। फिर उसके बाद कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं यहाँ पे कोई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने लूट की योजना बनाते 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध असलहा बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना काल से ही छात्रों की समस्या और हमेशा ही राष्ट्र की भावनाओं को लेकर काम करने वाला छात्र संगठन है। महानगर सहमंत्री आदर्श भारद्वाज के नेतृत्व में SRK कॉलेज में हो रही अनियमितताओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संघ ऐसा है जो कि विद्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य जी को ज्ञापन देना चाहते थे, कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहते थे, और प्राचार्य जी ने सभी समस्याओं को स्वीकार करते हुए उनको जल्द से समाधान करने का पूरा आश्वासन बच्चों को दिया है, क्योंकि बच्चों का अधिकार भी है। कॉलेज का प्राचार्य जी का भी सबसे बड़ा वह है कि कॉलेज में अनुशासन रहे, जिसमें छात्र भी सहयोग करें, शिक्षक भी सहयोग करें, और सभी लोग सहयोग करें, ताकि समाज में नंबर वन कॉलेज बने हमारा। विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा आज मुझे जो ज्ञापन दिया गया है उनमें 6 सूत्री मांगे हैं। उन्होंने एक प्रवेश संबंधी समस्या बताई है, क्योंकि सीट लगभग फुल हो चुकी हैं और 33% सीट वृद्धि की मांग की है। ये चूंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, माननीय कुलपति जी के अधिकार क्षेत्र में है, तो मैंने छात्रों को आश्वस्त किया है कि मैं आज ही विश्वविद्यालय को पत्र लिखूंगा 33% सीट वृद्धि के लिए, और मैं आश्वस्त करता हूं कि ये मांग छात्र हित में अवश्य पूरी की जाएगी विश्वविद्यालय स्तर से भी। आप लोग विद्यार्थी परिषद द्वारा SRK कॉलेज पीजी में आए हुए हैं, क्या आपका? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिरोजाबाद महानगर के और SRK PG कॉलेज के कार्यकर्ताओं द्वारा प्राचार्य महोदय को एक 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय से मांग करती है कि सभी कॉलेजों की 33% सीट छात्रों के लिए बढ़ाई जाए। जो विद्यार्थी एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं उनके लिए सीट की बढ़ोतरी और विद्यालय में उचित सुलभ शौचालय की व्यवस्था, जल की व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए कक्षाएं जो नहीं चल रही हैं वो कक्षाएं पुनः शुरुआत हो सके, उनकी सुचारू रूप से वो चलती रहें, सभी शिक्षक कक्षाओं में पहुंचते रहें, सभी विद्यार्थी पहुंचते रहें, ऐसी मांग को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने 6 सूत्रीय ज्ञापन प्राचार्य महोदय को सौंपा है। हम प्राचार्य महोदय से एक आग्रह करते हैं कि वो हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान करें। महासमुंद जिला पंचायत का किया भाजपाइयों ने घेराव व तालाबंदी, भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य व भाजपाइयों ने किया तालाबंदी, 15वें वित्त की राशि आवंटन में मनमानी का लगाया आरोप। जिला पंचायत के मुख्य गेट पर जड़ा ताला, भाजपाइयों ने जमकर की नारेबाजी, गेट पर पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर झुलमुहट हुई।